नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे लोजपा प्रत्याशी रामेश्वरम चौरसिया ने अपनी बातें साझा की है। उन्होंने कहा है कि भले ही तीन संगठन एक साथ है, लेकिन हम चुनाव जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सासाराम विधानसभा से चुनाव जीतकर हम जनता के लिए विकास करके दिखाएंगे। रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे लोजपा प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया का कहना है कि भले तीनों पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा पार्टी का संगठन एक साथ है, लेकिन चुनाव हम जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व नोखा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रामेश्वर चौरसिया प्रत्याशी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नोखा विधानसभा क्षेत्र से सीट नहीं मिलने पर सासाराम विधानसभा क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा है। नीतीश सरकार ने सासाराम विधानसभा के को दारू का विकास किया है। दारू को छोड़कर कुछ भी विकास सासाराम क्षेत्र में नहीं किया गया है, लेकिन मैं रामेश्वर चौरसिया सासाराम विधानसभा से चुनाव जीतकर जनता को विकास करके दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। कल जो परिस्थिति बनी हमारे साथ, क्योंकि मैं तो खुद ही नामांकन नहीं करना चाहता था, लेकिन हमने देखा कि पार्टी ने सीटें सरेंडर कर दी। खासकर हमारे जिला में किसी भाजपाई को टिकट नहीं मिला, जो आए हैं वो बाहर से आए हैं। तो जब हम कल घूमने लगे तो कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू देखे, और कार्यकर्ता और जनता जहां जाते थे एक स्वर में बोले, अरे क्या हो गया, भाजपा नहीं है तो लोजपा से ले लिए, हम तो भाजपा को और लोजपा को एक ही मानते हैं। जब कार्यकर्ता जनता एक मान रही है, तब मुझे प्रेशर में जा करके कार्यकर्ताओं के प्रेशर और स्वाभिमान के लिए मैं लोजपा से टिकट लिया, क्योंकि हमारा भी नारा है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और नरेंद्र मोदी जी का नारा है विकास, सबका साथ सबका विकास। कर दिया माफिया को आपने, पोस लिया। अब कौन माफिया, कौन दारू बेचता है? सबसे पहले दारू में कौन पकड़ा गया था? जेडीयू का जिला अध्यक्ष, उनके गृह क्षेत्र का, क्या उस पर कार्रवाई हुई? इनके नौटंकी के चलते हम लोगों को ये मजबूरन आना पड़ा है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता ये मान चुकी है कि बीजेपी और एलजेपी एक ही। सर, एलजेपी को एजेंट बताया जा रहा है सर, बीजेपी का। अब आप जो कहिए उसमें मैं क्या कमेंट करूं, यानी कि बीजेपी मैं कमेंट नहीं कर रहा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे एचबीएन न्यूज।